Friends, I'm Anamika and welcome to Anna's Recipes. Friends, I'm really sorry, I apologize ki last time main video nahi dal paayi kyunki mera camera corrupt ho gaya tha, video bhi corrupt ho gaya tha. So I could not upload the video on Saturday, but I'm here again with the new recipe. Friends, I would try my best ki next time se bina kisi hurdle ke main video regularly upload karun aur hamesha upload karti rahun. Friends, before I start the recipe of today, I want to tell you a good news ki aaj se main apni recipes dikhane wali hoon week mein 3 baar. Ji haan, every Wednesday, every Saturday and every Monday. So you will have recipes 3 times a week. I'm very excited. Mujhe aur time milega aapke saath interact karne ka. फ्रेंड्स, इससे पहले कि मैं बढ़ती हूँ आज की रेसिपी पे, मैं आपसे रिक्वेस्ट करती हूँ कि आप जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए जिन लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया है, क्योंकि एक डे और बढ़ जाने की वजह से बहुत सारी और रेसिपीज आने वाली हैं. फ्रेंड्स, आज की रेसिपी झटपट रेसिपी है, सिर्फ 10 मिनट्स में रेडी होने वाली, आपको ज़रूर पसंद आएगी. आप देखिए और मुझे बताइए कि आपको ये रेसिपी कैसी लगी. Hey friends, to subscribe my channel, click on the subscribe button and please, please do not forget to hit the bell button so that you get the notification of all the recipes. Vermicelli banane ke liye hame chahiye 1 cup vermicelli, sevaiyan aur kareeb 150 gram, 2 chamach butter aur kareeb 2 se 3 chamach chini. Inki filling ke liye hame chahiye kuch fruits, kate hue apples. Maine hung kar liya hai. थोड़ा सा क्रीम करीब 3 से 4 चम्मच, 3 चम्मच पिसी हुई चीनी और थोड़े से अनार के दाने, पोमेग्रेनेट सीड्स. पहले एक पैन में थोड़ा बटर डाल देते हैं और जब ये बटर पिघल जाएगा तब हम वर्मिसेल्स को रोस्ट करेंगे. अब वर्मिसेल्स रोस्ट कर लेते हैं. हमें इसे स्लो गैस पे लगातार चलाते हुए भूनना है, वरना ये एक सार नहीं भुनेंगी. इसे लगातार चलाते रहिए, करीब 4 से 5 मिनट में ये भुन जाएगी. ये देखिए, ये भुन चुकी है. अब इस पॉइंट पे हम चीनी मिला देंगे करीब 2 से 3 चम्मच. इसे अच्छे से मिक्स कर देंगे. हमें इसे ज़्यादा नहीं मिलाना है, चीनी को कैरमलाइज नहीं करना है वरना ये टाइट हो जाएगा. करीब 2 से 3 मिनट हल्की सी चीनी पिघल जाए तभी हम इसे बंद कर देंगे. 3 मिनट से ज़्यादा इसे नहीं चलाएंगे. अगर आप चीनी नहीं डालना चाहते तो आप मिल्क मेड भी डाल सकते हैं. इस चीनी मैंने इसलिए डाली है क्योंकि ये थोड़ी सी क्रंची लगती है जो कि अच्छी टेस्ट करती है. देखिए, अब ये एकदम हो गई है. अब मैं इसे निकाल देती हूँ, थोड़ा सा ठंडा कर लेते हैं. ये मेरे पास कुछ सिलिकॉन मोल्ड्स हैं, इसको मैं ग्रीस कर लेती हूँ बटर से. ये देखिए, अब इनमें सेट कर लेते हैं सेविंग को, अच्छे से दबा दबा के कप का शेप देते हुए. तीनों मोल्ड्स में इन्हें सेट कर लेंगे. बटर से इन्हें निकालने में हमें आसानी होगी. ये देखिए, इसमें भी दबा दबा के अच्छे से एक कटोरी का शेप देते हुए हम सेट कर लेते हैं. लास्ट मोल्ड में भी सेट कर लेते हैं और फिर इन्हें हम थोड़ी देर के लिए रेफ्रिजरेट कर देंगे, अराउंड 15 मिनट्स. अब मैंने हंग कर लिया है, इसे मैंने गाढ़ा कर रखा था. मैंने इसमें मिलाया है थोड़ी सी क्रीम, आप चाहे तो मलाई भी इसमें मिला सकते हैं. मिक्स कर देते हैं, चीनी मिला देते हैं पिसी हुई और इसे भी अच्छे से हैंड ब्लेंडर की तरफ से मिक्स कर देते हैं ताकि क्रीमी कंसिस्टेंसी में आ जाए. ये देखिए, बहुत अच्छे से मिक्स हो गया है. अब अपने कप्स फ्रिज से निकाल लेते हैं, डीमोल्ड कर लेते हैं. बहुत इजीली निकल जाएंगे क्योंकि हमने ग्रीस किया हुआ था. देखिए, अब डालते हैं इनमें फिलिंग्स. सबसे पहले अपने कटे हुए फ्रूट्स, कुछ एप्पल्स डाल देते हैं. इनकी जगह आप कोई और फ्रूट्स लेना चाहें तो ले सकते हैं. थोड़े से अनार के बीज. ये देखिए, अब जो अपना हंकर्ड है वो इस पर डाल देते हैं.
ये देखिए, और थोड़ा अनार से इसको डेकोरेट कर देती हूँ। और मेरे पास है कुछ बचा हुआ केक का, कुछ चॉकलेट केक, जो कि हम केक बनाते हैं तो कई बार उसके क्रम्बल साइड से बच जाते हैं, तो हम उनको भी रीयूज कर, उसको भी हम यूज कर सकते हैं, फेंकने की जरूरत नहीं है। तो उसको उसके ऊपर डेकोरेट कर देती हूँ। ये सुंदर भी लग रहा है और खाने में भी बहुत अच्छा टेस्ट देता है। तो इस मिक्सचर में हमारे करीब 5 से 6 वर्मिसेल्स कप बन जाएंगे। और ये देखिए, वर्मिसेल कप्स एकदम रेडी।